हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी एंड डॉक्यूमेंटेशन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ACGC। ठीक है, ACGC के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। नाउ जस्ट लुक एट द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ECGC। कब सेटअप हुआ था? इट वॉज सेटअप इन 31 जुलाई 1957। ठीक है, इसके पहले 1957 में इसको नाम दिया गया था एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ERIC, जिसको एरिक भी कहते थे हम। सो इट वॉज नोन एज एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। 1964 में कुछ एकाद प्रोविजंस वहाँ पे चेंज किए गए, थोड़े से अमेंडमेंट्स किए गए, और इट वॉज गिवन द नेम ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड, ECGC। ठीक है, और 83 में फिर इसको फाइनली यहाँ पे इंडिया से जोड़ दिया गया, एंड द नेम वॉज इंडिया लिमिटेड वॉज कन्फाइंड टू द ECGC ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एंड इट इज़ द होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये ECGC वहाँ पे ऑपरेट करता है। नाउ हेयर यू कैन सी इट इज़ रिटन द बेसिक टैगलाइन ऑफ ECGC, यू फोकस ऑन एक्सपोर्ट वी कवर द रिस्क। ठीक है, तो बेसिकली मतलब यहाँ पे क्या है कि एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है, और जितना भी इसकी पॉलिसीज होंगी, जितना भी इसके बेनिफिट्स होंगे, सारे के सारे एक्सपोर्टर के लिए ही डिज़ाइन किए गए थे। ठीक है, और अभी भी एक्सपोर्टर के प्रमोशन के लिए ही काम करती है, फॉर द इनकरेजमेंट एंड फॉर द प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स ट्रेड इन इंडिया। सो नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन। व्हाट आर द विजन एंड मिशन? विजन क्या होता है, मिशन क्या होता है? सबसे पहले समझ लीजिए कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। विजन इज ऑलवेज फॉर द लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। ठीक है, जो कंपनी फ्यूचर में या लॉन्ग टर्म में अचीव करना चाहती है उसको बोलते हैं विजन। ठीक है, सो विजन इज ऑलवेज कन्फाइंड टू लॉन्ग टर्म क्राइटेरिया। विजन इज ऑलवेज कन्फाइंड टू लॉन्ग टर्म क्राइटेरिया। लेकिन मिशन की बात करते हैं तो मिशंस आर बेसिकली व्हाट? मिशंस आर बेसिकली द ऑब्जेक्टिव्स। दीज आर बेसिकली द ऑब्जेक्टिव्स। सो विजन, एज फार एज विजन इज कंसर्न, वॉट इज द विजन ऑफ द ECGC? टू एक्सेल इन प्रोवाइडिंग क्रेडिट इंश्योरेंस एंड ट्रेड रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है, जो भी क्रेडिट रिलेटेड इंश्योरेंस है रिगार्डिंग एक्सपोर्ट्स एंड ट्रेड रिलेटेड सर्विसेज है, इंटरनेशनल ट्रेड बेसिकली, उसके रिगार्डिंग में इंश्योरेंस ECGC वहाँ पर काम करेगी। मिशन में क्या है? टू सपोर्ट इंडियन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बाय प्रोवाइडिंग कॉस्ट इफेक्टिव इंश्योरेंस एंड ट्रेड रिलेटेड सर्विसेज टू मीट द ग्रोइंग नीड्स ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट मार्केट्स थ्रू द ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जितना भी रिसोर्सेज है, जितना भी इंडिया के पास कोई एक पर्टिकुलर रिसोर्स फॉर्म में चीज़ें अवेलेबल हैं, उसका फुल यूज़ करके इंडियन एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, इंडियन एक्सपोर्ट के प्रमोशन के लिए काम करना, यही एक मेन ऑब्जेक्टिव ECGC का है यहाँ पे। सो दीज वर द विजन एंड मिशन ऑफ द ECGC। नाउ द रिस्क कवर्ड, किस तरह के रिस्क को ECGC यहाँ पे कवर अप करता है। ठीक, फर्स्ट वन इज कॉमर्शियल रिस्क। कॉमर्शियल रिस्क कब अराइज होंगे? इट कैन अराइज इन 3 टाइप्स, दैट इज इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर। अगर बायर अपने पेमेंट को करने में डिफॉल्ट कर जाता है या फिर पेमेंट करने में असमर्थ हो जाता है, इन दैट केस दैट विल बी कवर्ड अंडर द कॉमर्शियल रिस्क प्रोवाइडेड बाय द ECGC। ठीक है, बार यहाँ पे कौन हो जाएगा? बार विल बी द इम्पोर्टर। ठीक है, बार यहाँ पे हो जाएगा कौन? इम्पोर्टर। बार विल बी कॉल्ड एज द इम्पोर्टर। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज प्रोट्रैक्टेड डिफॉल्ट ऑफ द बायर। प्रोट्रैक्टेड इज, प्रोट्रैक्टेड मीन्स मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए जो चलता चला आ रहा है, ठीक है, लंबे समय तक के लिए बायर जो है डिफॉल्ट कर गया, मतलब एक ट्रांजेक्शन का पेमेंट तो नहीं मिला एक्सपोर्टर को, कंटिन्यूसली क्या हुआ कि 3-4 ट्रांजेक्शन्स हो चुके हैं और अभी तक एक्सपोर्टर के पास पेमेंट नहीं पहुंची है फ्रॉम द साइड ऑफ द इम्पोर्टर। ठीक, सो उस केस में भी इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉमर्शियल रिस्क एंड इट विल बी कवर्ड बाय ECGC। नेक्स्ट इज बायर्स फेलियर टू एक्सेप्ट द गुड्स। अगर बायर गुड्स एक्सेप्ट करने के लिए मना कर देता है या फिर किसी रीज़न की वजह से वो गुड्स एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, यहाँ पे ध्यान रहे कि जो भी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जहाँ पे क्वांटिटी में कोई इशू होता है या फिर क्वालिटी ऑफ गुड्स का इशू होता है, और अगर बायर तब मना कर रहा है तो वो ECGC के अंडर में कवरअप नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्टर की गलती है कि एक्सपोर्टर ने जो प्रॉमिस किया था उसने वो डिलीवर नहीं किया है इम्पोर्टर को। ठीक,
अगर एक्सपोर्टर के सारे गुड्स अप टू द मार्क हैं, अप टू द स्टैंडर्ड हैं, क्वांटिटी वाइज एंड क्वालिटी वाइज भी, और अगर फिर भी जो इम्पोर्टर मना कर रहा है एक्सेप्ट करने के लिए, इन दैट केस दैट विल बी द डिफॉल्ट ऑफ द बायर, ठीक, एंड इट विल बी कवर्ड अंडर द कमर्शियल रिस्क बाय ECGC। नेक्स्ट विल बी योर पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क में क्या है? इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, अगर किसी कंट्री ने इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, ठीक, जैसे मान लीजिए कि इंडिया ने कुछ टाइम पहले क्या किया था कि पाकिस्तान से आने वाले सामान पे इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था उठा के, ठीक है, क्यों लगाया था? बिकॉज ऑफ वॉर कंडीशंस, वॉर लाइक सिचुएशंस हुई थी बॉर्डर पे, इस वजह से, इस रीज़न की वजह से। सो यहाँ पे क्या है कि अगर इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर दिए जाते हैं, इट विल बी द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल रिस्क, ठीक, और जो यहाँ पे सफ़र करना पड़ेगा एक्सपोर्टर को, जो उनको पेमेंट मिलने वाली थी अब नहीं मिल पा रही है इन केस, सो उस केस में क्या हो जाएगा कि ECGC विल प्रोवाइड देम असिस्टेंस अंडर द पॉलिटिकल रिस्क। नेक्स्ट इज वॉर, सिविल वॉर, रिवॉल्यूशन। अगर किसी कंट्री के अंदर आंतरिक युद्ध हो जाता है, या फिर सिविल वॉर हो जाता है, या फिर कुछ ऐसी रिवॉल्यूशंस बगावत हो जाती हैं कुछ एक ऑर्गेनाइजेशंस की किसी भी कंट्री के अंदर, सो दैट विल बी द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल रिस्क एंड इट विल बी कवर्ड बाय ECGC। एडिशनल फ्रेट और इंश्योरेंस चार्जेस, पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा गया था, ठीक है, अगर मान लीजिए एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था और उसमें कुछ एडिशनल पेमेंट फिर बाद में अराइज हो गए जहाँ पे एक्सपोर्टर को पे करना पड़ा, ठीक है, वो पे करना था इम्पोर्टर को, बट द एक्सपोर्टर इज पेइंग हिमसेल्फ, तो उसको भी ECGC कवर अप यहाँ पे करेगा। नेक्स्ट इज एनी अदर कॉज एट्रीब्यूटेबल टू द इम्पोर्टिंग कंट्री। किसी और कॉज की वजह से अगर इम्पोर्टर की कंट्री में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर इम्पोर्टर वो गुड्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, सो इन दैट केस जो भी पेमेंट का फेलियर होगा वो ECGC के अंडर कवर अप किया जाएगा। सो दीज वर द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क। एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिस्क इज लेटर ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैंक रिस्क। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है ये मैंने पहले बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में, ठीक है, फिर से आई विल जस्ट ट्राई टू सम अप द थिंग्स रिगार्डिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। एक तरीके से डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे एक्सपोर्टर को इमीडिएट पेमेंट मिल जाती है, एंड ही डज नॉट हैव टू वेट फॉर द लॉन्गर पीरियड फॉर गेटिंग द पेमेंट। मतलब कि अगर एक्सपोर्टर चाहता है कि उसको उसके प्रोडक्ट की पेमेंट तुरंत मिल जाए, तो अपने बैंक से ले जाके पेमेंट ले सकता है, एंड ही कैन ऑर्डर और ही कैन रिक्वेस्ट द इम्पोर्टर टू इशू अ लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम हिज बैंक, ठीक है। इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है मैंने बता रखा है वीडियो में, यू कैन जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो। सो इंसॉल्वेंसी ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैंक, जो कि कौन सा बैंक होगा लेटर ऑफ क्रेडिट, कौन सा बैंक ओपन करता है? इट इज़ ओपन बाय द इम्पोर्टर्स बैंक, ठीक है। इम्पोर्टर का बैंक अगर लेटर ऑफ क्रेडिट अकाउंट ओपन करने में सक्षम नहीं है, इफ़ इट इज़ नॉट कैपेबल, देन इट इज़ कवर्ड अंडर द ECGC। फेलियर ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैंक टू मेक द पेमेंट विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है, अगर लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन हो गया है उसके बाद भी पेमेंट नहीं मिल रही है उस केस में, दैट विल बी ऑल्सो कवर्ड अंडर द ECGC अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैंक रिस्क। एंड लास्टली नॉन पेमेंट और नॉन एक्सेप्टेंस ड्यू टू डिस्क्रिपेंसीज इन द लेटर ऑफ क्रेडिट। जो भी लेटर ऑफ क्रेडिट बना के दे रखा है उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं थोड़ी सी बदल दी गई हैं, या फिर इंटरचेंज कर दी गई हैं, या फिर कुछ ना कुछ मिसरिप्रेजेंट वहाँ पे किया गया है, इस केस में अगर पेमेंट नहीं हो रहा है सो इट विल बी कवर्ड अंडर द ECGC। सो दीज वर द बेसिक रिस्क दैट आर गोइंग टू बी कवर्ड अंडर ECGC। नाउ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, वॉट आर द बेसिक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ ECGC? अंडर दिस द फर्स्ट वन इज क्रेडिट इंश्योरेंस पॉलिसीज, ठीक है। क्रेडिट इंश्योरेंस पॉलिसीज में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक्सपोर्टर ने, या फिर एक्सपोर्टर ने पेमेंट पहले वहाँ पे अज्यूम किया था फ्रॉम द साइड ऑफ इम्पोर्टर, लेकिन उसको पेमेंट अभी तक मिली नहीं है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे एक्सपोर्टर ने क्रेडिट लिया था फॉर प्रोडक्शन पर्पजेज, ठीक, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्रेडिट की वजह से उसको ज़्यादा इंटरेस्ट वहाँ पे पे आउट करना पड़ रहा है, सो इट विल बी कवर्ड अंडर द ECGC। एंड ये जो पॉलिसीज़ होती हैं या जो बेनिफिट्स होते हैं, ये ECGC प्रोवाइड करता है अपनी तरफ से वहाँ पे। एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस कवर टू बैंक्स, इन केस अगर बैंक ने एक्सपोर्टर को क्रेडिट दिया था, ठीक है, और अगर एक्सपोर्टर जो है टाइम पे वो क्रेडिट चुकाने में इनकैपेबल है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि ECGC बैंक्स के लिए भी वहाँ पे
कवर प्रोवाइड करा सकता है। एंड लास्टली इज स्पेशल स्कीम्स। स्पेशल स्कीम्स में कुछ तीन चार स्कीम्स वहाँ पे आती हैं, वी विल ट्राई टू डिस्कस इट। सो फॉर द टाइम बीइंग आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक। वी विल डिस्कस मोर अबाउट ACGC इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बी हैप्पी एंड बी सेफ। थैंक यू।